आज का जो ब्लॉग है वो होगा वृंदावन के ऊपर। मैं आज वृंदावन के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ हमारा आश्रम है श्री मंगल भवन, वहीं पर मैं बैठा हुआ हूँ रूम नंबर 1 के अंदर। और आज बड़े महाराज जी का भंडारा है तो हम भंडारा करने के लिए भी आए हैं और 2-3 पूजा थी वो भी संपन्न करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मैं 8 साल बाद आज आया हूँ वृंदावन के अंदर और काफ़ी कुछ बदल चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है और बाहर भंडारा चल रहा है। मैं आपको सारा दिखाता हूँ और जितना हो सकेगा इस व्लॉग को छोटा रखेंगे, पर मैं आपको पूरा वृंदावन का एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो पूरा देखो व्लॉग को, काफ़ी मज़ा आएगा। देख सकते हो ये मंगल भवन और मेरा बचपन गुजरा है यहाँ पे और ये भंडारा चल रहा है इधर। इधर ये सब महंत लोग आए हुए हैं। राधे राधे। जो यहाँ पे रुके हुए गेस्ट वो लोग यहाँ पे अभी खाना खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे तो अभी उसके बाद फिर हम जाएंगे मार्केट में, मार्केट में थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। और ये हैं हमारे भानु अंकल जी, एक बार राधे राधे। राधे राधे। तो गाइस भंडारा हो चुका है और उसके बाद हम अब जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट में, फिर आपको मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ। और अब हम जा रहे हैं मार्केट, अभी जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। पूरा देखो ब्लॉग को, मज़ा आएगा। सामने सवारी बैठी है तो वही हंस रही है मेरे को देख के कि कैसे भाई वीडियो बना रहे। लोकल सवारी है जो वृंदावन की। हेलो आंटी, ये सामने आपको दिख रहा है, दिस इज इस्कॉन टेम्पल। एंड इसके बिल्कुल सामने मार्केट शुरू हो जाती है। आप देख सकते हो जैसे कि ये पूरी जो मार्केट है, ये कपड़ा और ज्वेलरी, बाकी कृष्ण जी से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं वो सब यहाँ मिल जाएंगी। तो और खाने पीने का भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इधर अंदर शॉपिंग कर रहे हैं सब, तो चलते हैं इस्कॉन मंदिर में। चलो तो गाइस फाइनली रेस्टोरेंट और अंग्रेज मंदिर के अंदर ही है ये। हम लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है और अभी हम जा रहे हैं बाहर रिक्शा लेके, हम जाएंगे सीधा आश्रम में, उसके बाद जाएंगे दूसरे मंदिरों में। अभी हम जाएंगे राधा वल्लभ, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं राधा वल्लभ जी का मंदिर है और काफी सुंदर डेकोरेशन की है। पीछे मंदिर है आपको दर्शन हो गए, तो आप सबको दर्शन करवा देता हूँ। देखो ये राधा वल्लभ जी की एंट्री है और ये यहाँ शॉप्स हैं। ये जो गलियाँ हैं आप देख रहे हो, ये सारी गलियाँ हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर की। और ये आ गया हमारा गेट नंबर 4। तो फाइनली आ चुके हैं अपने आश्रम के अंदर एंड
काफ़ी अच्छा दिन था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिला। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा हो, और जितने मैंने आपको दर्शन करवाए हैं आज राधा वल्लभ जी के, आपको भी कहीं ना कहीं मन की शांति मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली डांस वीडियो या फिर ब्लॉग वीडियो। स्टे ट्यून्ड।